नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालें फार्म मशीनरी से जुड़ी इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरों पर। एस्कॉर्ट्स कुबोटा को हुआ क्वार्टर टू में दुगुना मुनाफा। 2023-24 की पहली छमाही में घरेलू ट्रैक्टर बिक्री में गिरावट, दूसरी छमाही में सुधार का मौका। महिंद्रा घरेलू ट्रैक्टर बिक्री में 2% की गिरावट, बिकी 49,336 यूनिट। VST ट्रैक्टर बिक्री में 16.52% की गिरावट रिकॉर्ड। मोहाली प्रशासन ने क्रॉप रेसिड्यू मैनेज करने के लिए किसानों को दी 1098 मशीनें। आइए रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। भारतीय ट्रैक्टर निर्माता एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने शुक्रवार को दूसरी तिमाही के मुनाफे में 2 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की, क्योंकि कीमतों में बढ़ोतरी ने बिक्री में कमी की भरपाई कर दी। एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 महीनों में 30 सितंबर तक बढ़कर 2.23 बिलियन रुपए हो गया, जो एक साल पहले 988.3 मिलियन रुपए था। एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने पिछले वर्ष की दूसरी तिमाही के बाद से 3 मौकों पर ट्रैक्टर जैसी वाणिज्यिक वाहनों सहित अपनी कृषि मशीनरी उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की है। तिमाही के दौरान ट्रैक्टर की बिक्री में 7.1% की गिरावट आई, क्योंकि 2018 के बाद से भारत की सबसे कमजोर मानसूनी बारिश से ग्रामीण मांग प्रभावित हुई, जिससे सेगमेंट के रेवेन्यू में 4.2% की गिरावट आई। वहीं कुल राजस्व में ट्रैक्टर व्यवसाय का हिस्सा लगभग 70% है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में भारतीय ट्रैक्टर उद्योग में थोक आंकड़ों में साल दर साल 3.7% की गिरावट देखी गई। इस गिरावट को मुख्य रूप से कारकों के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें अल नीनो का प्रभाव, ग्रामीण नकदी प्रवाह में उतार चढ़ाव और पिछले वर्ष में स्थापित उच्च बिक्री आधार शामिल है। इस झटके के बावजूद उद्योग आशावादी बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में सितंबर में सामान्य बारिश की वापसी से देश के मध्य, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में रबी की बुआई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। भारतीय ट्रैक्टर बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाल ही में अक्टूबर 2023 के लिए अपनी ट्रैक्टर बिक्री रिपोर्ट जारी की। यह आंकड़ा 2% की मामूली गिरावट को दर्शाता है, जबकि 2022 की इसी अवधि में कंपनी ने 50,539 इकाइयां बेची। घरेलू बाजार के अलावा अक्टूबर 2023 के लिए महिंद्रा की ट्रैक्टर बिक्री रिपोर्ट में निर्यात बाजार में भी महत्वपूर्ण गिरावट का पता चला। कंपनी अक्टूबर 2023 में निर्यात के लिए 1,124 इकाइयां बेचने में कामयाब रही, जो 2022 में इसी महीने के दौरान बेची गई 1,455 इकाइयों से काफी कम है। यह एक्सपोर्ट्स में उल्लेखनीय 23% की कमी दर्शाता है। VST टेलर एंड ट्रैक्टर ने हाल ही में अक्टूबर 2023 के लिए अपनी बिक्री रिपोर्ट जारी की, जिसमें इस अवधि के दौरान अपने घरेलू ट्रैक्टर और पावर टेलर की बिक्री के बारे में जानकारी दी गई। अक्टूबर 2023 में VST ने घरेलू ट्रैक्टर बिक्री में 289 इकाइयां बेची, जो अक्टूबर 2022 की तुलना में 39.03% की गिरावट दर्शाती है, जबकि कंपनी ने 474 ट्रैक्टर बेचे थे। यह डेटा VST के लिए ट्रैक्टर बाजार की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। मोहाली प्रशासन फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने और जिले में पराली जलाने को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। प्रशासन ने 1098 मशीनें तैनात की हैं, जिनमें छोटे ट्रैक्टरों के उपयोग के लिए 184 सरफेस सीडर भी शामिल हैं। ये मशीनें किसानों को फसल अवशेषों को बिना जलाए प्रबंधित करने और गेहूं की फसल को अधिक कुशलता से बोने में मदद करेंगी। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल ट्रैक्टर न्यूज के साथ। धन्यवाद।